और क्या हाल है मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का स्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो? आज हम बनाने जा रहे हैं मावा का लड्डू, जिसको हम खोया भी बोलते हैं। बहुत टेस्टी लड्डू बन के तैयार होता है। अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं, व्रत में खाने के लिए लड्डू एकदम परफेक्ट है। मावा घर का बना हुआ है और उस मावे से हम जा रहे हैं लड्डू बनाए। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिल के बनाते हैं। इसके लिए जो सामग्री है वह इस तरह की है। घर का मावा एकदम फ्रेश मावा बनाया हुआ है। 150 ग्राम मावा है, 50 ग्राम घिसा हुआ नारियल है, चीनी हमने 100 ग्राम ली है, इलायची 5 से 6 ली। इसकी छिकले को निकाल के दाने को इसी चीनी के अंदर डाल के हम पीस देते, इसका पाउडर तैयार कर लेते। इस तरह इलायची को मिला लेना इसके अंदर। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने काजू के टुकड़े लिए, 1 टेबल स्पून चिरौंजी है तथा 2 टेबल स्पून बादाम कटे हुए। इन सारी सामग्री द्वारा हम लड्डू बनाते हैं। उससे पहले हमने क्या करना है, चीनी को और इलायची के दाने को पीस के तैयार करना है। ये देखिए, चीनी और इलायची का दाना पीस के तैयार हो गया। एक हमने थाली ले ली है, इस थाली के अंदर मावा हम पलट देते हैं। 150 ग्राम मावा है। इसके बाद इसके अंदर हमने नारियल मिला लेना है और मावा पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल मावा गर्म नहीं हो, एकदम ठंडा मावा है। इसके अंदर हमने नारियल, इसके अंदर हमने 50 ग्राम मिला दिया है। अब इसको हाथ के द्वारा मिला लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें हमने काजू मिलाया, 2 टेबल स्पून कटा हुआ बादाम मिलाया तथा 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने चिरौंजी मिला ली। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी इसके अंदर मिला सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। इसके बाद इन सारी सामग्री को हम हाथों के द्वारा मिला लेते हैं। फिर इसमें जो हमने चीनी का पाउडर तैयार करके रखा है उसको इसके अंदर हम मिला लेते हैं। एक बार की में हमने पूरा पाउडर नहीं मिलाना है, थोड़ा पाउडर हम आधे से ज़्यादा अभी मिला देते हैं और उसके बाद में अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है तो उस हिसाब से मिलाते हैं। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाथों के द्वारा इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चीनी करीब 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम और मिला देते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला के अब इसको हम बांधना शुरू करते हैं। ये पूरा तैयार हो गया है, अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह हम इसका लड्डू बनाते हैं और ये जल्दी, बहुत जल्दी झटपट बन जाता है इसका लड्डू, बिल्कुल भी समय नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी मावा का लड्डू बन के तैयार होता है। इसी तरह हमने सारे लड्डू को बना के एक प्लेट के अंदर हम रख लेते हैं। मावा का लड्डू बन के तैयार हो गया। बहुत टेस्टी मावा का लड्डू बन के तैयार होता है। कोई भी आप व्रत रखते हैं, कभी कुछ मीठा खाने की इच्छा है तो भी इस लड्डू को हम बना सकते हैं। मावा घर में उपलब्ध है तो झटपट बनने वाली रेसिपी, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता और इसी तरह हमने इसको बना लिया है। आपने इतना कीमती समय निकाला कि हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसी तरह की और वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना दोस्तों। किसी नई रेसिपी की वीडियो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी होगा हम रिप्लाई करेंगे। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ स्वेता पाक कला में। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।